बादशाह कहाँ है? नाम तुम्हारे होठों पे है, तस्वीर तुम्हारी आंखों में। तो देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे सिंपली स्टेप से आप भी वीडियो को एडिट कर सकते हो वन क्लिक में। इस वीडियो के अंदर आप सबको यहाँ पे बताऊंगा कि स्टेप्स इस वीडियो को आप एक वन क्लिक में कैसे इसको एडिट कर सकते हो। वीडियो के अंदर सारे प्रोसेस बताऊंगा कि स्टेप्स इसको एडिट कर सकते हो। एक यहाँ पे इस फोटो को कैसे आप इसको वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर सारे प्रोसेस बताऊंगा कि स्टेप्स यहाँ पे देखेंगे। स्टेप्स बहुत ही रील्स ट्रेंडिंग में चल रहा है। स्टेप्स आप एडिट करके आप कहीं पे भी आप इसको अपलोड करके मिलियंस व्यूज गेन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे रील्स ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी पे फिलहाल। इस वीडियो को आप यहां पे एडिट करना, इस वीडियो के अंदर सिखा दूंगा किस टाइप से इसको 3D कार्टून AI में किस टाइप से इसको कन्वर्ट किया जाता है, वो भी सारे यहां पे इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे किस टाइप से इसको एडिट किया जाता है। तो चलते हैं डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते। चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो इसको एडिट करने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन करना, अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। लाइक ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप सबको यहां पे सर्च पे क्लिक करना है। लाइक सर्च पे क्लिक करने के बाद आप सब यहां पे देख सकते हो बिंग इमेज की एडिटर। सिंपली इस वाले वर्ड को आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो फर्स्ट पे खुल कर पेज आएगा, सिंपली वो पेज पर आपको क्लिक करना है। उस पेज पर क्लिक करते हो आप फर्स्ट पे टाइम तो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग का ऑप्शन मिलता है। सिंपली आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करना है, हमने अपने ईमेल से ज्वाइनिंग यहाँ कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगा, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो वहाँ पे यूज वर्ड सिंपली लिखा होगा। सिंपली उसको आप आसानी से इसको आप लेकर आसानी से यूज वर्ड कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे सिंपली इस वाले आइकन पर आपको प्रेस करके रखना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पेस्ट को ऑप्शन में सिंपली पेस्ट पर आपको क्लिक करना है। लाइक पेस्ट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो पूरी तरह से यहाँ पे आ चुका है वर्ड। तो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के अंदर सीखेंगे किस टाइप से नाम को एडिट किया जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे आप सब जो भी आपको नाम लिखना है सिंपली देख सकते हो यहाँ पे सी सोर, यहाँ देख सकते हो रेहान नाम लिखा। सिंपली इस वाले आपको वर्ड को कट करना। लाइक इस वाले वर्ड को कट करने के बाद आप जो भी नाम से बनाना चाहते हो सिंपली वो आपको यहाँ पे सर्च सेलेक्ट करना है। जो भी आप नाम से बनाना चाहते हो सिंपली वो आपको नाम यहाँ पे लिखना है। तो मैं दोबारा यहाँ पे अपने यहाँ पे मोहसिन के नाम से बनाना चाहता हूँ, सिंपली वो आपको यहाँ पे लिखता हूँ। लाइक लिखने के बाद आप सब यहाँ पे देख सकते हो सीसोर यहाँ पे मोहसिन लिखा हुआ। सिंपली वो आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिंपली वहाँ से जाके इसको आप यूज कर सकते हो। इस वाले आइकन को आपको कट करना, कट करने के बाद अपने नाम को यहाँ पे लिखना है। लाइक लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेटिंग करना है। तब तक मेरे वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को एक लाइक जरूर करना, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरह से यहाँ पे नाम लेकर आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप से आप यहाँ पे नाम को एडिट कर सकते हो। पूरी तरह से ये वेबसाइट यहाँ पे नाम लिखकर दे चुका है। तो यहाँ पे इस टाइप से आप भी वीडियो को एडिट वन क्लिक में कर सकते। आपको जो भी इमेज पसंद है सिंपली उस इमेज पर क्लिक करना। लाइक उस इमेज पर क्लिक करने के बाद आप सबको देख सकते हो इस टाइप से इंटरफेस खुलने को दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करना है। लाइक 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आप सबको स्क्रीन पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। तो लाइक यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये आपके गैलरी में पूरी तरह से डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हो ओपन यहाँ पे डाउनलोड हो चुका पूरी तरह से। तो अब हम लोग इस फोटो को एडिटिंग वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए कैपकट एप्लीकेशन को यूज करेंगे। तो आप कैपकट एप्लीकेशन को आसानी से ब्राउजर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद VPN से कनेक्ट करना है। प्ले स्टोर से VPN को इंस्टॉल करना। लाइक इंस्टॉल करने के बाद आसानी से आप इसको VPN को कनेक्ट करने के बाद कैपकट एप्लीकेशन को आप आसानी से यूज कर सकते। वीडियो बनाने के लिए सिर्फ ब्राउजर को ओपन करना। लाइक ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप सब यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो लिखना है हाईलैंड थाईलैंड कैपकट टेम्पल। आप सब यहाँ पे देख सकते हो इस वाले आइकन को आपको सर्च करना। लाइक सर्च करने के बाद आप सबको देख सकते हो यहाँ पे स्टेप इंटरफेस खुलने को दिखेगा। उसके बाद जो फर्स्ट पे पेज खुलकर आएगा सिंपली उस वेबसाइट पर क्लिक करना है। लाइक उस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आप सबको नीचे पे स्क्रॉल करना। तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देख सकते हो यूज टेम्पल इन कैपकट, सिंपली इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। अपने यहाँ पे VPN को कनेक्ट करना। देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे सिंपली यहाँ पे मेरा VPN यहाँ पे कनेक्ट है। कनेक्ट करना VPN को कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यूज टेम्पल पर क्लिक करना है। लाइक यूज टेम्पल पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे दो इंटरफेस खुलने को दिखेगा, वीडियो एंड फोटो। सिंपली यहाँ पे फोटो पर क्लिक करना है। लाइक फोटो पर क्लिक करने के बाद जो वहाँ पे हम लोग फोटो को एडिट किए थे डाउनलोड किए थे सिंपली उस फोटो को सेलेक्ट करना है। उस फोटो को सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है। सिंपली प्रीव्यू पर आप सब यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप सबको वेट करना है। वेट करने के बाद पूरी तरह से यहाँ पे वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम लोग इस वीडियो को सेव करने के लिए देख सकते हो एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो इस वाले लोगो को हटाने के लिए
हम लोग यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक्सपोर्ट विदाउट विटैक मार्क। अब उसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो भी आपको रेशियो सेलेक्ट करना है, सिंपली उस रेशियो को आपको यहाँ इस वाले आइकन को आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट विदाउट विटैक मार्क पर। इस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद देख सकते पूरी तरह से यहाँ पे वीडियो सेव हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, इस टाइप से देखेंगे किस टाइप से ट्रेंडिंग में ये रील चल रहा है। आप सबको कोई दिक्कत होगा तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे है कॉन्टेक्ट, आप डायरेक्टली आप मेरे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। और इजी स्टेप है, आप मेरे से यहाँ पे कोई चीज भी आप यहाँ पे आसानी से पूछ सकते हो, मैं आपको पूरा यहाँ पे हेल्प करूंगा आपके लिए। एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ देख सकते हो डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद ये आपकी गैलरी में पूरी तरह से वीडियो सेव हो जाएगा।